नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज डॉन एन। शुक्रवार को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुई पटना की लेडी डॉन प्रतिमा सिंह पर जबरन लड़कियों से देह व्यापार कराने का एक नया मामला दर्ज हुआ है। लेडी डॉन की ओर से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद रविवार की सुबह एक माँ बेटी पटना के गांधी मैदान थाने पहुंची। लड़की ने पटना की लेडी डॉन प्रतिमा सिंह पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिमा सिंह उसे नशे की सुई और नशीली दवाइयां खिलाकर उसका शारीरिक शोषण करवाया करती थी। उसने गांधी मैदान थाने के प्रभारी के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि बेहोशी की हालत में प्रतिमा सिंह लोगों की मदद से सेक्सुअल रिलेशन का वीडियो बनाया करती थी। यह वीडियो उसे दिखाकर बार बार रिलेशन बनाने का दबाव भी बनाया करती थी। प्रतिमा सिंह की ओर से उसके साथ यह करीब एक माह से किया जा रहा था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि वह अपने घर आने वाले अपराधी से लेकर के राजनेताओं के सामने हमें पेश किया करती थी, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देती थी। बताते चले कि शुक्रवार को प्रतिमा सिंह को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी उसके अत्याधुनिक हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो बताया कि आपसे बतौर रंगदारी 50,000 रुपये ले लिए गए, उसके बाद किस तरह से धमकी दिया गया? उस धमकी दी कि मेरा बहुत सारा पॉलिटिकल अप्रोच है, मैं खुद दबंग हूँ, अगर तुम किसी भी तरीके से मेरे खिलाफ एक्शन अगर लोगे तो मैं तुम्हारे तुमको जान से भी मरवा सकती हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो मैं वहाँ से डर गया और मैडम से रिक्वेस्ट करने लगा कि मैडम अब मुझे जाने दीजिए, ऑफिस से भी कॉल आ रहे थे सर का। तो मैं वहाँ से मेरे रिक्वेस्ट पे वो गेट खोल दी, मैं गेट खोल के सीधे गांधी मैदान थाना आया। यहाँ पे मैंने बताया और सर लोगों से कॉपरेट लिया, बाकी इसके आगे कहानी सारा चीज़ जो है आप लोग को मालूम है। हुआ था आपके साथ ये बताइए। मैं संजीत कुमार न्यूज़पेपर अखबार सप्लाई करता हूँ, जिसमें रूम नंबर 304 में जुवेदा कॉम्प्लेक्स में प्रतिमा सिंह रहती हैं। कहाँ पे? जुवेदा कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन रोड में। उनके पास बहुत दिनों से हमारा जो है वो अखबार का सप्लाई जाता है। जो पेमेंट लेने के लिए मैडम को कॉल किया तो उन्होंने मैडम मुझे आज का डेट मुझे दिया कि सुबह में 9:30 बजे आ जाना, पेमेंट अपना ले लेना। जब मैं पेमेंट लेने गया 9:45 में मैं उनके घर पे इन किया। जब इन किया तो मुझे दो लड़के वहाँ पे मिले, एक मैडम बैठी हुई थी अपने ये पे और दो लड़का था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अंदर बैठाया और गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बोली कि पेमेंट जब मैंने मांगा, उन्होंने बिल भी हमसे लिया और बोले कि मुझे संजीत 50,000 रुपया चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम इस एरिया में ज़्यादा बिजनेस करते हो, इसलिए तुमको पेमेंट 50,000 रुपया तुमको देना होगा। रंगदारी के रूप? जी, रंगदारी के रूप में। मैंने इसका विरोध किया कि मैडम हम लोग इतना पैसे वाले हैं नहीं, पैसा मैं कैसे दे पाऊँगा आपको। तो उन्होंने मनीष नाम का जो लड़का उनका आदमी था उसको बुलाया और मेरा पॉकेट सर्च करवाया। पॉकेट सर्च करवाया तो कुछ मिला नहीं, लेकिन एटीएम था। उन्होंने मेरे पर्स से 4 ATM निकाल लिए और मुझे धमकाने लगी कि ये ATM का पिन मुझे बता। मैं उस समय डर गया कि अगर मैं इसलिए पिन कोड बता दिया कि कोई था नहीं, मुझे जान का वहाँ पे खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये सोचकर बता दिया कि जो करती हैं वो करने दो। मैंने ATM का पिन मैडम को बता दिया, वो लड़का ATM का पिन लिख के ले गया और मेरे ATM में 3 ATM में पैसा नहीं थे। एक HDFC का अकाउंट था जिसमें मेरा सैलरी क्रेडिट होता है, वो पैसा जो है उस ATM से उन्होंने पैसा 50,000 रुपया 10-10 हज़ार करके 5 बार विड्रॉ किया।